तो आपके लग्न कुंडली में अगर आपके 12वें भाव के स्वामी फोर्थ हाउस में स्थित हों, तो ऐसे में इस प्लेसमेंट को आप किस प्रकार से देख सकते हैं, कौन कौन से रिजल्ट आपको इस प्लेसमेंट से देखने को मिलेंगे और ये आपके घरेलू जीवन को, आपकी पारिवारिक स्थिति को कैसे इम्पेक्ट करेगी। 12वें भाव का संबंध इस प्रकार से अगर फोर्थ हाउस से बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आप 12वें भाव से संबंधित कोई ना कोई एक्टिविटी अपने घर में करते होंगे, जैसे कोई योगा वगैरह का या ऐसा कोई मेडिटेशन वगैरह का कुछ काम आप घर में कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, किसी भी अन्य के लिए भी कर रहे हों। तो इसके अलावा आप बहुत ही ज़्यादा कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी घर में कर रहे हैं, कोई घर में मंदिर वगैरह बना रखा है। इसके अलावा आपके होम एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी भी ये स्थिति दिखाती है। इसके साथ साथ अब 12वां भाव आपके घरेलू जीवन में योगदान करेगा, आपके मानसिक सुख शांति में योगदान करेगा। तो ऐसे में आपको अब 12वें भाव से संबंधित चीज़ें अपने घर पर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही आप हो सकता है विदेश में सेटल रहें और विदेश में ही ज़्यादातर समय आपका बीते। इसके अलावा फॉरेन की चीज़ें, विदेशी वस्तुएं आपके घर में हो, ऐसा भी बहुत हद तक पॉसिबल है। इसके अलावा आप जो अर्निंग्स कर रहे हैं, विदेश में अर्न कर रहे हैं लेकिन अपने घर पर भेज रहे हैं आप विदेश से पैसा, तो ये भी प्लेसमेंट ये कुछ इस प्रकार से दिखाती है। 12वें भाव का अब स्वामी कौन है, स्वामी किस प्रकार का ग्रह है, ये देखना बहुत ही अहम होगा, क्योंकि अगर क्रूर ग्रह हुआ तो हो सकता है आपकी मानसिक सुख शांति को वो बहुत ज़्यादा भंग भी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अब आपके फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसकी भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जो आपका 12वें भाव का स्वामी आपके फोर्थ हाउस पर जो इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि उसका जो डिस्पोजिटर है वो आपका फोर्थ लॉर्ड ही हुआ, ऐसे में फोर्थ लॉर्ड का आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होना जरूरी है। अब आपका जो 12वें भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में आया है वो किस प्रकार का ग्रह है, कौन सा ग्रह है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। बट इस प्रकार के प्लेसमेंट से आपके घर परिवार के लोगों में स्वास्थ्य संबंधी कुछ इश्यूज आने की संभावना रहती है। आप हो सकता है कोई लोन वगैरह लिया हो, आपने लोन लेकर घर बनाया हो या प्रॉपर्टी खरीदी हो, या विदेश में आपने प्रॉपर्टी खरीदी हो, विदेश से आपको इनकम आती हो किसी भी माध्यम से, कोई रेंटल इनकम आती हो, किसी भी प्रकार की और कोई इनकम आपको आती हो। 12वां भाव अब आपके फोर्थ हाउस को इम्पेक्ट कर रहा है। निश्चित रूप से आप अपने घर में अगर योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म, इन सब से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा। इसके साथ साथ ये आपकी मानसिक सुख शांति को तो बहुत हद तक ही प्रभावित करेगा। इसके साथ ही आपके अपने रिलेशन परिवारजनों के साथ वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। और 12वां भाव है वो एक तरीके से इमेजिनेशन का भाव है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी का भाव है। तो आप घर में गीत संगीत से जुड़ा हुआ काम, कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम, ऐसा कोई काम करते होंगे। अब देखिए, जो फोर्थ हाउस है वो हमारे घर परिवार से तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन 12वां भाव है वो लॉस का हाउस है। लॉस का हाउस होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मानसिक सुख शांति भंग हो सकती है, आप कुछ ऐसे लॉसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय आपके साथ धोखा हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी माता जी की जो हेल्थ है उसको लेकर बहुत ही सीरियसली ये कंडीशन आपको प्रभावित कर सकती है। अब आपका 12वें भाव में आपको देखना पड़ेगा कौन सा ग्रह स्थित है। अगर कोई भी ग्रह 12वें भाव में स्थित है तो उसको आपको विचार जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही अब आपका 12वें भाव का स्वामी, क्योंकि यहाँ से आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, तो वो कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा, लेकिन हम ओनली 7वें एस्पेक्ट की ही बात कर रहे हैं। तो अब आपके कैरियर पर भी बहुत ही मेजर इम्पैक्ट उस 12वें भाव के स्वामी का होने वाला है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ को हैंडल करने और अपने कैरियर को हैंडल करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, या आप किसी मजबूरी की वजह से बहुत जल्दी रोजगार प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब आपका होम एनवायरनमेंट जो है वो आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके ओवरऑल मानसिक सुख या भौतिक सुख में बहुत बड़ा योगदान करेगा। और 12वें भाव का स्वामी कुछ हद तक आपको बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी देगा आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब आपका जो 12वें भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में आया है वो किस अन्य ग्रह के साथ स्थित है और उसका दृष्टि संबंध के द्वारा किस अन्य भाव से और किस अन्य ग्रह से संबंध बन रहा है, ये आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ अब आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो कैसे स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं हो गया है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या फिर आपका 12वें भाव का स्वामी जो कि फोर्थ हाउस में आया है वो क्या वक्री तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, ये सब आपको देखना चाहिए। इसके अलावा ऑलरेडी आपके फोर्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह भी बैठा हुआ हो सकता है।
तो एक तरीके से अब आपके लिए जो बारहवा भाव है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बारहवें भाव से संबंधित कुछ ना कुछ आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकें, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत और खुश महसूस करा सकें। इसके अलावा आपकी घर की जो स्थितियाँ हैं अब वो बारहवें भाव से इम्पेक्ट होंगी। इसके साथ साथ ऐसा भी होता होगा कि आप घर पर ही रह के काम करते होंगे और घर पर ही ज़्यादातर आपका समय बीतता होगा, या आपका ज़्यादातर जो मन लगता है घर पे ही लगता होगा, बाहर इतना जाने की इच्छा कभी कभी आपकी नहीं होती होगी। इसके साथ ही अब आपका जो कैरियर है वो भी बारहवें भाव से संबंधित हो सकता है कुछ हद तक, या फिर आपको हो सकता है कि अपने कैरियर के लिए बार बार विदेश यात्रा करनी पड़े। तो यहाँ पर जस्ट आपका जो फोर्थ हाउस है वो डायरेक्टली बारहवें भाव की एक्टिविटीज़ से जुड़ जाता है, जिस वजह से आपको फॉरेन की तरफ झुकने और फॉरेन जाकर सेटल होने की भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती हैं। तो आपको इस प्रकार से विचार करना चाहिए जब भी बारहवें भाव का स्वामी आपके लग्न कुंडली में फोर्थ हाउस में चला जाए।